छोटी मगर काम की बातें। नंबर एक, फ्रिज के ऊपर कभी भी दवाई नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे दवाई का असर खत्म हो जाता है। नंबर दो, जिन लोगों को कम भूख लगने की शिकायत है उन्हें अपनी डाइट में परवल शामिल करना चाहिए। परवल पेट के कीड़े को मारने और भूख को बढ़ाने का काम करता है। नंबर तीन, सुबह खाली पेट 3 से 4 काजू खाने के बाद उसके ऊपर शहद चाट लेने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग की कमजोरी दूर होती है। नंबर चार, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर पाँच, मधुमक्खी के काटने वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से सूजन चली जाती है। नंबर छः, अमरूद के पत्तों को चबाने से दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। नंबर सात, जो औरतें मेथी दाने का प्रयोग करती हैं वे कभी बूढ़ी नहीं होती। नंबर आठ, प्रेगनेंसी में केले का सेवन ज़रूर करें, इससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। नंबर नौ, दाल रोटी खाने से इंसान बहुत कम बीमार पड़ता है। नंबर 10, रोज़ाना खाने में खजूर खाने से अंदरूनी कमज़ोरी खत्म हो जाती है। नंबर 11, उल्टी को रोकने के लिए सौंफ के पानी की कुलियां करें, उल्टी आना रुक जाती है। नंबर 12, भूलने की बीमारी हो तो रोज़ाना बादाम का इस्तेमाल करें। नंबर 13, चाय के साथ हल्दी खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है, इसलिए चाय के साथ ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन ना करें जिसमें हल्दी की मात्रा ज़्यादा हो। नंबर 14, खट्टी डकार आने पर जीरे का प्रयोग करें। नंबर 15, रेगुलर अखरोट खाने से स्पर्म काउंटर क्वालिटी इम्प्रूव होती है। नंबर 16, अगर आप खाली पेट काजू का सेवन करते हैं तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। काजू में मौजूद विटामिन बी से शरीर में एसिड बनना भी बंद हो जाता है। नंबर 17, सुबह का नाश्ता एक ऐसी डाइट है जिस पर हमारी 50% हेल्थ निर्भर करती है। सुबह के नाश्ते में अंकुरित चने, मौसमी फल और कुछ ड्राई फ्रूट खाने चाहिए। नंबर 18, अगर आपके शरीर में खून की कमी है और हर वक्त आपको थकान महसूस होती है तो चुकंदर और अनार का जूस पिएं, इससे आपके शरीर में खून बढ़ेगा और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही यूज़फुल हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।